हाय फोक्स, जेनिफर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, तो आज का जो हमारा एपिसोड है अगेन वो है हमारी सबकी फेवरेट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पर। यस, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो मैं दिखाने वाली हूँ खास आप सबकी फरमाइश पे, क्योंकि मेरा बैक टू बैक एपिसोड्स चल रहे हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पे। इतने सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देख के आओ, माई गॉड, आई गॉट सो मच, इतने सारे ईमेल्स, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स, इतने सारे ओ माई गॉड, एंड थैंक यू सो मच। ओके, बट आज जो है हमारा एपिसोड, स्पेशली हमारा फर्स्ट एपिसोड है इयररिंग्स के ऊपर। यस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इतनी सारी इयररिंग्स जो कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पर है, और वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट है, मेरे कलेक्शन में से है। तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती कि मैंने कहाँ से कितने में लिया, और बस यहाँ आपको ये थोड़ी स्टाइलिंग के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं कितने तरीके की ज्वेलरीज आजकल मार्केट में अवेलेबल है, और कितनी ज़्यादा हम इस पर इनको पहन सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं, और मटेरियल किस तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और आप जैसे ही मेरा पैटर्न देखोगे शायद आपको भी ऐसा पैटर्न पहनने का मन हो और आप उस पैटर्न का ढूंढे, तो यस, इस सब चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट हैवी ऑक्सीडाइज लॉन्ग इयररिंग के ऊपर, जो कि है थोड़ा सा हैवी है डेफिनेटली। तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में थोड़े हल्के वाले ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के इयररिंग्स भी दिखाने वाली हूँ, बट इस एपिसोड में हम थोड़ी हैवी चीज़ों की बात कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फेवरेट, जो मैंने लास्ट एपिसोड में, अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने पहना, और मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपने ये इयररिंग कहाँ से ली, लेकिन मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने ये कहाँ से ली, बट ये मेरे कलेक्शन में है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स सच अ प्रिटी प्रिटी वन, ये देखिए कितना खूबसूरत है, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल, दिस इज डार्क ऑक्सीडाइज इयररिंग, हैंगिंग इयररिंग यू कैन से, एंड ये काफ़ी लंबा है। ये देखिए, ये इस तरीके का लगता है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस वेन यू वेयर इट। ओके, तो सेकेंड जो हमारा है उसी तरीके से मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा बहुत अच्छा डिफरेंट है। आप देख सकते हो इसमें नीचे इतने सारे टैसल्स लगे हुए हैं, और ये थोड़ा बॉक्सी टाइप का है, आप देखो इसको, और जब आप पहनते हो अगेन इट विल लुक सच अ प्रिटी। ये देखिए, इट लुक्स वेरी नाइस। मैं आपको हर एक ओपन करके पहन के तो नहीं दिखा सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, और देन आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी थक जाऊँगी दिखाते दिखाते, इसलिए मैं आपको ऐसी डायरेक्ट दिखा रही हूँ जस्ट टू हैव अ ग्लांस मेरे कलेक्शन के ऊपर। सो थर्ड जो है अगेन ये बॉक्सी, आई लव स्क्वेयर, आई लव बॉक्सी, एंड मेरे काफ़ी आपको जो है इयररिंग्स हो गए, नेकलेसेस हो गए, बहुत ज़्यादा बॉक्स पैटर्न में बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आई लव बॉक्स। तो दिस इज़ द वन, आप उसको क्लोज देखिए, इट लुक्स सो नाइस। दिस इज़ अगेन इन डार्क ऑक्सीडाइज मेटल, इट्स वेरी नाइस, एंड इसको आप पहन के सी इट विल लुक ऑसम। ओके, तो नेक्स्ट है कि इस तरीके का है, ये बॉक्स नहीं है, हर चीज़ में बॉक्स ही नहीं कर सकती हूँ, और क्लोज ये इस तरीके का लगता है, इट लुक्स वेरी नाइस, और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल का है, इट्स अ वेरी नाइस मटेरियल, यू कैन सी वेरी हैवी है ये, जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी हैवी है, और इसीलिए अगर आप हैवी ज्वेलरी पसंद करते हैं तो ही आप इसको लीजिए, सिर्फ दिखने में अगर यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो आप ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होती है कानों पे। तो यू नो अगेन दिस इज़ टू मच ऑफ घुंगरू, एंड इट्स अगेन ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड, डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक यू कैन से, इट लुक्स लाइक दिस। अच्छा, ये जो इनका जो इंस्पिरेशन आया हुआ है, ये आया हुआ है बंजारन ट्राइब से, क्योंकि जो बंजारन लोग होते हैं वो काफ़ी घुंघरू का यूज़ करते हैं। मैं आपको ओरिजिनल, दिस इज़ नॉट, खैर ओरिजिनल बंजारन ट्राइब का नहीं है ये, तो मतलब इन्होंने एक इंस्पिरेशन लेके बनाया हुआ है इन ब्रांड ने, बट मैं आपको ओरिजिनल भी दिखाऊंगी जब मैं उसका भी आपको एक वो करने वाली हूँ, मैं एपिसोड बनाने वाली हूँ उस पर मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके के उनके ओरिजिनल और आर्टिफिशियल नहीं कह सकते, बट यस ओरिजिनल और जो अभी बने हुए हैं, जो फैशन ज्वेलरी है और जो एवरीडे की ज्वेलरी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था, जब वो लोग पहनते थे उनमें बहुत ज़्यादा हैवी पहनते थे वो, तो आपने अगर ओरिजिनल उनकी ज्वेलरीज देखी होगी तो काफ़ी हैवी होती है, जैसे कि मैंने अभी अफगानी ज्वेलरी पहन रखी है, काफ़ी हैवी है, तो इस तरीके की होती है, बट अभी तो खैर इतने लोग हैवी नहीं पहन सकते, इसीलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो इस तरीके आई है बहुत अच्छी है, पहन सकते हैं। ओके, दिस इज़ द वन अगेन, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार, इसमें बहुत सारे जो है, ये देखिए बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे,
घुंगरू एंड ये इतना खूबसूरत दिखता है। ओके नेक्स्ट अगेन है थोड़ा मिलता जुलता हार्ट पैटर्न में, मुझे ज़्यादा हार्ट हार्ट वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए आई हैव जस्ट केप्ट दिस थिंग। इट लुक्स वेरी नाइस यू नो व्हेन यू वेयर इट, सी इट लुक्स गुड। अगेन ये थोड़ा कम हैवी है बट आप इसको पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकते, और पहनने वाले सब ज्वेलरी पहनते, मैं इतनी ज्वेलरी की शौकीन नहीं थी बट जब यू नो व्हेन यू हैव सो मच ऑप्शंस व्हाई नॉट ट्राई। ओके सॉरी आई विल जस्ट शो यू, ओह सॉरी एक और दूसरा आ गया। चलिए ठीक है फिर भी इट्स ओके, यू कैन सी एक इस तरीके का पैटर्न है तो इस तरीके का लगता है, पता नहीं इसका कहाँ दूसरा चला गया है। एंड दिस इज द वन, मेरे पास सारे हैं लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है फ्रेंड्स ये देखिए, और ये वाला बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है तो आप ये ले सकते हो अगर आप हैवी ज्वेलरी नहीं कैरी कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वाला। अगेन ये थोड़ा सा घुछड़ मुछड़ हो गया है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके का था कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है बिकॉज इसमें बहुत सारे ज़्यादा ये है तो ये भी इस तरीके का लगता है। और अगेन सारी चीज़ें मुझे एक एक ही नज़र आ रही, पता नहीं कहाँ जा। ओके सॉरी, सो दिस इज़ द वन, दिस इज़ माई फेवरेट, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये दिस इज़ गिफ्टेड, किसी ब्रांड ने मुझे गिफ्ट किया था एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल लाइट वेटेड बट ये बहुत ज़्यादा ब्लैक ऑक्सीडाइज है, सो आई लव दिस थिंग, अब मैं उनकी क्या तारीफ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ओके तो यहाँ पर जो है हमारा कलेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। ओके लेकिन एक और मैं आपको बता देती हूँ, एक और दिखा देती हूँ, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जाते जाते मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ दिखा के जा रही हूँ ना कि आप डेफिनेटली इसको ऑनलाइन में अगर आप मिलेगा तो प्लीज़ ग्रैब कीजिए इसको, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। ये देखिए इस तरीके का है ये, ओके अब इसका बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, जो उसके ऊपर का जो ये है हुक है आपको कान के ऊपर लगाना है और नीचे इसका ये जो लास्ट हुक पे लगाना है, मतलब तो इसकी सेटिंग इस तरीके से कुछ होगी, मैं आपको बालों के ऊपर से ही दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजन हो जाए, इस तरीके से दिखेगी आपकी इसकी सेटिंग, ये देखिए इतना अच्छा दिखता है ना ये, मैंने कहा था ना आपको मेरा जरूर पसंद आएगा। एनीवेज तो आज का जो हमारा एपिसोड है हम यहीं एंड करते हैं, और मैंने आपको इतनी सारी ईयरिंग्स दिखाई है ऑक्सीडाइज में, अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आती है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल छोड़ रही हूँ, आप उसमें मुझे ईमेल करके बताइए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप मुझे भेजिए, अगर मेरे पास ये अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली मैं आपको भेज दूँगी, और आप उसका पेमेंट कीजिए, और ये नो रिफंड पॉलिसी है, प्लीज़ आप इसको एक बार ले लें तो वापस मुझे मत भेजिएगा क्योंकि वंस इज़ गिवन। तो एनीवे सो बहुत सारी कलेक्शन थी ना, तो नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली मैं उन लोगों के लिए ज्वेलरी लेकर आऊँगी जो कि पसंद करते हैं थोड़ा लाइट ज्वेलरी को। यस लाइट ज्वेलरीज जो होती है वो दिखने में हैवी दिखती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें टैसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा घुंघरू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो पहनने के बाद ऐसे लगती है जैसे कि आपने बिल्कुल कान में कुछ नहीं पहन रखा, इट्स लाइक वेरी लाइट एंड वेरी नाइस टू फील, तो उस तरीके की ज्वेलरीज भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, नेक्स्ट एपिसोड मेरा उसी पे होने वाला है, तो डेफिनेटली आप देखिए। खैर जो मैंने अभी पहना है वो अगेन अफगानी रिंग पहनी है, अफगानी माई फेवरेट अफगानी ऑनफेंस पहन रखे हैं, तो इसका मैं जल्दी आपको, लोग इतने ज़्यादा मुझे ईमेल कर रहे हैं कि आप अपना अफगानी कलेक्शन कब दिखाएंगी, बंजारन कलेक्शन कब दिखाएंगी, तो वो फ्रेंड्स वो एक यू नो सरप्राइज़ है, वो मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से शूट करना चाहती हूँ, लेट्स सी, तो क्योंकि मैं सारी ये बहुत सारी ज्वेलरीज ख़त्म करना चाहती हूँ, फिर लास्ट में यू नो स्टार ऑफ द शो विल बी दोज ज्वेलरीज। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय।